एक और बड़ी खबर, चीन से जारी तनाव के बीच सरकार ने चाइनीज ऐप्स को लेकर बड़ा फैसला किया है। चीन पर डिजिटल स्ट्राइक करते हुए 59 चीनी ऐप पर पाबंदी लगा दी गई है। सरकार ने पॉपुलर चीनी ऐप टिकटॉक के साथ ही शेयरइट, हेलो, यूसी ब्राउजर, लाइकी और वीचैट समेत 59 ऐप को बैन कर दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ये चीनी ऐप्स भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रहणपूर्ण थे। तो चाइनीज ऐप 59 ऐप है जिन्हें बैन कर दिया गया है, यानी टिकटॉक, हेलो, शेयर इट समेत ऐसी कई सारी ऐप्स जो हो सकता है अभी तक आप इस्तेमाल करते थे, अब वो भारत में बैन रहेंगे। हमारे साथ मनीष कुमार जुड़ गए हैं। मनीष, ये जो बात कही गई है, क्योंकि मुझे लगता है कि देश में हर कोई इसके फेवर में ही है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए और टिकटॉक हो या फिर हेलो हो या फिर जो भी जिस भी तरह की चीनी ऐप है वो बंद कर देनी चाहिए, लेकिन जो रीजन अभी बताया गया है कि हमारे देश की संप्रभुता, अखंडता इसके खिलाफ था, बिल्कुल सही है, सुरक्षा के भी खिलाफ था, तो कई लोगों का सवाल ये है मनीष कि फिर ये फैसला इतनी देर से क्यों किया गया, इन ऐप्स को आखिर फिर भारत में आने ही क्यों दिया गया, हमें इस्तेमाल ही क्यों करने दिया, और यहां तक कि सरकार के कितने हैंडल्स हैं जो इन सब पे एक्टिव थे। बिल्कुल, इन सब पे एक्टिव थे। और साक्षी, आपको पता है कि ये कब लिया गया ये फैसला? ये तब लिया गया जब हम देख रहे हैं कि भारत चीन एलएसी पर किस तरीके से तनाव बना हुआ है, देश में एक चीन के खिलाफ एक माहौल है, उसके सामानों की यहाँ पे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा, बैन लगाने की मांग हो रही है, तो उस बीच जो है सरकार ने कहीं ना कहीं पब्लिक मूड को देखते हुए ये फैसला लिया। लेकिन आप देखिए कि ये तमाम जो ऐप्स है साक्षी, इनके लाखों में इनके फॉलोअर्स नहीं है, सुरक्षा की बात की जा रही है, अगर डेटा, अगर प्राइवेसी के उल्लंघन की बात की जा रही है, तो क्या ये आज सामने आया है? नहीं, इसको लेकर संसद सवाल उठे हैं। कई जो साइबर एक्सपर्ट्स है उन्होंने इस मामले को लेकर कई बार चिंता जाहिर की कि हमारे डेटा जो है वो बाहर बेचे जा रहे हैं, ये तथ्य भी सामने आया है। जूम ऐप को आप देखिए, जूम ऐप का ना केवल प्राइवेट कंपनियों में बल्कि सरकारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जो हो रहे हैं, वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, उसमें भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ये चीनी ऐप था। हालांकि इसको बैन नहीं किया गया, लेकिन ये बहुत पहले से पता था, लेकिन पब्लिक मूड को देखते हुए कहीं ना कहीं इसको आप कह सकते हैं कि उसके तहत ये फैसला लिया है।